नीतीश कुमार संतुलन खो बैठे हैं कब क्या बोलना है उनको पता भी नहीं है तो मीटिंग स्थगिति स्वयं किए हुए हैं जोगी जी नहीं किए हुए हैं केजरीवाल का राजनीति और जब ममता बनर्जी का राजनीति है वो राजनीति कर रही हैं वो किसी को दे, देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का कोई स्कोप नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं रहेंगे और हैं भी

पहला देश के राष्ट्रपति बिहार के ही आदमी राजेंद्र प्रसाद बने थे तो बिहार के बारे में बोलना गलत बात है गरीब लोग जाते होंगे तो अलग का काम करते होंगे अलग बात है लेकिन बिहार के लोग आई एस आई एस अफसर आई पी अफसर राष्ट्रपति पॉलिटिकल आदमी सब चीज़ बिहार में है तो बिहार का आलोचना करना गलत बात है एकदम नहीं करना चाहिए एक और सवाल आप समझाना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार उनकी चर्चा हो रही थी उन्हीं के पार्टी के नेता लोग कह रहे थे कि विपक्ष के द्वारा पीएम कैंडिडेट होंगे 24 में और अभी दिल्ली गए थे दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ वहाँ पर ममता बनर्जी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका नाम प्रोजेक्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल उनका समर्थन कर दिया नीतीश कुमार को वहाँ भी पीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को कोई आदमी नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री बने जनाधार आदि जनाधार है ये नहीं है और केजरीवाल साहब हमेशा चाहते थे कि राजीव गांधी और नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री न बने इसलिए ऐसा ना आदमी का नाम दिया मलका अर्जुन अर्जुन को खड़गे को नाम दिया है कि किसी के कोई काटे भी नहीं इसलिए कि दलित है दलित है कोई कोई काटे भी नहीं और दो आदमी मुख्य प्रधानमंत्री न बन सके तो केजरीवाल का राजनीति और चमनता ममता बनर्जी का राजनीति है वो राजनीति कर रही हैं, उस किसी को दे, देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का कोई स्कोप नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं रहेंगे और हैं भी और वही रहेंगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उसी समय से नाराज़ चल रहे हैं कहीं नहीं हो सकता आपके दल के साथ आ जाए नीतीश कुमार नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं कुछ, कुछ कहना नहीं है हम बो, बोल दिए पहले भी बोले हैं कि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं तो नीतीश कुमार पद के लिए मुख्यमंत्री पद पद बन, बन रहे हैं बन, बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं इसमें कहीं कोई आपके पार्टी का उनका दरवाजा खुला है क्या नहीं हमारा पार्टी तो दरवाजा बंद कर दिया है लेकिन कभी भी कुछ कर सकते हैं अब पार्टी में नेता लोग दूसरे लोग हैं ना भाई नेता तो हम हैं नहीं पार्टी का पार्टी के नेता लोग दूसरे लोग हैं वो लोग फैसला करेंगे जो फैसला करेंगे उसकी उधार तो हो गया अच्छा एक और सवाल नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों पहले उनका बनारस में एक रैली होना था और उसके बाद रैली को स्थगित कर दिया गया कहा जा रहा था कि जो योगी सरकार है यानी उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है आपकी की पार्टी की सरकार है उन्होंने अलाउ नहीं किया परमिशन नहीं दिया रैली करने के लिए बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग डर गए हैं नीतीश कुमार ऐसी बात नहीं है नीतीश कुमार संतुलन खो बैठे हैं कब क्या बोलना है उनको पता भी नहीं है तो मीटिंग स्थगित स्वयं किए हुए हैं जोगी जी नहीं किए हुए हैं ये मीटिंग स्वयं स्थगित किए हुए हैं अंतिम सवाल रहेगा कि चौबीस में क्या स्थिति होने वाली लोकसभा की क्योंकि ये लोग लालू नीतीश कुमार एक साथ हैं उसके बाद आप लोग के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप लोग को चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है चौबीस में क्या होने वाला है इस बार ये चौबीस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है दूर तक कहीं कोई संदेह नहीं है कोई वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है और हम लोगों की जहाँ तक बात है हम लोग चालीस में चालीस लोकसभा सीट निश्चित रूप से जीतेंगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में फितर से बन नहीं रहा है बन नहीं रहा है तो उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा लालू नीतीश में नहीं बन रहा तो क्या लगता है उनका बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा क्या नहीं खाता खुल सकता है खाता हम नहीं कहेंगे कि खाता नहीं खुलेगा खाता खुल सकता है लेकिन जीतेंगे अधिक से अधिक हम ही लोग देखिए अभी सुन रहे थे साहसाराम लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के सांसद पासवान को इन्होंने सीधे तौर पर कहा दिया है कि 2024 में जैसे कि इन्होंने बताया कि लालू नीतीश कुमार आपस में बन नहीं रहा है इसका फायदा जो हम लोगों को मिलेगा और 24 में हम लोग बिहार के 40 सीट में से ज़्यादा से ज्यादा सीट पर हम लोग जीतेंगे इसके साथ इन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहने के लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए वो किसी भी व्यक्ति से हाथ मिला सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद